राहुल गांधी के सांसदी खत्म होने के बाद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। बयानों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी को एनडीए के सहयोगी दल का साथ मिला है, जानकर आपको हैरानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सत्ता का संचालन कर रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से पूर्व सांसद रहे राहुल गांधी की संसद से अयोग्य ठहराए जाने पर मतभेद पैदा हो गया। तमिलनाडु में एनडीए की सहयोगी पार्टी पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके ने रविवार को राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने की सजा को अनुचित बताया और विरोध किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी की सजा उनके द्वारा दिए भाषण के अनुपात में कहीं ज्यादा है, इस वजह से राहुल गांधी को जल्दबाजी में लोकसभा से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। पीएमके प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबु मणि रामदास ने तमिलनाडु के धर्मपुरी में कहा, हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं, लेकिन बावजूद इसके हमें ये लगता है कि राहुल गांधी को उनके भाषण की बड़ी सजा मिली है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मानहानि के मुकदमे में अदालत ने द्वारा उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था। रामदास यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से ये गलत फैसला है। इसके अलावा अदालत की सजा के आधार पर उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया जाना भी गलत फैसला है। भाजपा इस मामले में जल्दबाजी से बच सकती थी और अपील करने का समय दे सकती थी। अगर अदालत से उन्हें सजा में राहत नहीं मिली तो वो कार्रवाई कर सकते थे। तमिलनाडु कांग्रेस ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस इसे जन आंदोलन में बदल देगी, क्योंकि अन्य राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में है। अलागिरी ने कहा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, प्रशांत किशोर जो हमारे साथ नहीं है, उन्होंने भी भाजपा के इस बदले की कार्रवाई की निंदा की है, क्योंकि ये लोगों की राय है। आपको बता दें, तमिलनाडु की राजनीति में AIADMK एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करती है और उसी में पीएमके प्राथमिक भागीदार। पार्टी को भाजपा की तुलना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीटें मिली थी। इस बीच तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी यानी TNCC ने रविवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी को अयोग्य ठहराना अडॉल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के कार्यों के समान है। उनकी सहयोगी डीएमके जो तमिलनाडु पर शासन करती है, उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन में वो ये सुनिश्चित करेंगे कि राहुल गांधी को बहाल किया जाए। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए कहा कि वो सार्वजनिक जीवन में निर्वाचित पद पर नहीं थे, लेकिन दुनिया उनकी बात सुनती थी। उन्होंने कहा, राहुल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो गलत और असत्य हो। मुद्दा ये है कि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी संसद में जाकर भाषण दे सकें, लेकिन राहुल गांधी की सांसदी छिनना सही फैसला नहीं लग रहा। हालांकि इसी दौरान राहुल गांधी के सांसदी जाने से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। नाराज कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच अब कांग्रेस के एक सांसद ने तो अपनी सांसदी से इस्तीफा देने का संकेत दे दिया। इनका नाम है मणिकम टैगोर और ये तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। मणिकम टैगोर ने कहा कि जब राहुल गांधी संसद में नहीं रहेंगे तो फिर वो रहकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनके नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया। ये घटनाक्रम देखने के बाद अब वो भी संसद में नहीं बने रहना चाहते। मणिकम ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें 2009 में लोकसभा में पहुंचने का मौका दिया, लेकिन अब वो खुद वहां यानी संसद में नहीं होंगे। उन्होंने कहा, जब राहुल गांधी संसद में नहीं होंगे तो फिर मैं रहकर क्या करूंगा, उनके साथ हुए अन्याय से मैं आहत हूं। लेकिन राहुल गांधी की सांसदी कैसे खत्म हुई ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बयान दिया और दरअसल वो बयान मोदी सरनेम को लेकर था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उसी मामले में जब ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद फिर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। उसके बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई। हालांकि अभी फिलहाल कांग्रेस इस बात की तैयारी में लगी है कि किस तरीके से वो इस मामले को यानी वो इस सजा को लेकर उच्च न्यायालय में अपील करे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।